अस्सलाम वालेकुम वन क्लास, ये आपकी इंग्लिश की बुक है। मैंने आपको पहले, हमने जो पहले इस वीडियो में पढ़ा था वो हमने पेज नंबर 13 पर द लकी लीफ जो एक स्टोरी थी उसके बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट्स, आपको याद है इसमें क्या हुआ था? इसमें तो एक लड़की थी, उसका नाम था रहीला, और वो क्या कर रही थी वो याद है आपको? वो रो रही थी क्योंकि उसका गोल्डन बैंगल गुम गया था। ऐसे ही था ना? फिर क्या हुआ था आपको पता है? फिर एक हवा चली और उसको एक पत्ता नजर आया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ था। तो हम आज पढ़ेंगे पेज नंबर 14। आपने मेरे साथ साथ इसको पढ़ना है, ठीक है? रहीला स्टैंड्स अप, रहीला खड़ी हो जाती है। द विंड स्टार्ट्स अगेन, हवा फिर चलने लगती है। द लीव डांसिस अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, पत्ता नाचता हुआ ऊपर और नीचे, बाएं और दाएं जाता है। यानी हवा चलती है ना तो जो पत्ता होता है वो डांस करता हुआ जाता है। इट टर्न्स एंड टर्न्स, टर्न्स का मतलब घूमना, ये घूमता जाता है, घूमता जाता है। इट स्पिन्स लाइक अ टॉप, ये एक लट्टू की तरह घूमता है। टॉप पता है ना आपको, ये टॉय होता है। आगे है, इट क्लाइम्स हाई अबव द रूफ, ये छत से ऊपर बुलंद हो जाता है। यानी हवा चली थी तो ये क्या हुआ, उड़कर ऊपर की तरफ चला गया। व्हाट फन, से रहीला। अब रहीला क्या कहती है, कितने मजे की बात है। रहीला रन्स आफ्टर द लीव, रहीला पत्ते के पीछे भागती है। जैसे इस पिक्चर में वो एक पत्ते के पीछे भाग रही है, और अब आप देख रहे हैं ना वो कितना खुश है, यानी वो खेल रही है उनके साथ। इट मूव्स इन फ्रंट ऑफ हर एंड बिहाइंड हर, ये इसके सामने आता है और इसके पीछे जाता है। सून, जल्द ही, द लीव फॉल्स इन टू अ होल, जल्द ही पत्ता एक गड्ढे में गिर जाता है। होल का मतलब गड्ढा, यानी एक सुराख, उसमें गिर जाता है। इट इज एट द साइड ऑफ अ रोज बुश, ये गुलाबों की एक झाड़ी होती है ना उसके साइड पर था। यानी एक जो एक गुलाब की झाड़ी थी ना, वो पत्ता उसके पीछे साइड पर चला जाता है। रहीला पिक्स अप द लीफ, रहीला पत्ता उठाती है। शी फाइंड्स हर गोल्डन बैंगल अंडर इट, अब देखे क्या हुआ है, उसे अपनी सोने की चूड़ी उसके नीचे मिलती है। तो क्या हुआ, रहीला लाफ्स, रहीला हंसती है। शी टेक्स द बैंगल एंड द लकी लीफ टू शो मम, वो चूड़ी और लकी लीफ यानी खुशनसीब पत्ते को उठाती है और अपनी अम्मी को दिखाने के लिए ले जाती है। तो यानी कितना मज़ा आया इसको, इस पूरे पेज में उसने कितने मज़े की बात की है कि अब जब वो हवा चली तो वो पत्ते के पीछे भागी है, और वो जब उसी पत्ते के पीछे भागी थी जिसको वो देख रही थी, फिर वो पत्ता जिसके ऊपर पड़ा हुआ था वो, उससे उसको क्या मिल गई, उसकी सोने की चूड़ी। तो इसीलिए उसने उसको लकी लीफ कह दिया। तो कितना मज़ा आया ना ये स्टोरी पढ़ने का। तो अब स्टूडेंट्स, हमने जो अभी हमने कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी है ना, इसके हमने अब कुछ डिक्टेशन वर्ड्स हैं उसको हमने पढ़ना है, उसकी हमने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, LOST लोस्ट, LEAF लीव, BLOWS ब्लोज, FRONT फ्रंट, ROOF रूफ, PICK पिक, लोस्ट लीफ ब्लोज फ्रंट रूफ पिक। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स जो है पेज नंबर 29 पर दिए हुए हैं, इसको आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, इसको याद करना है। और एक और बात, आपने अपनी स्टोरी को अच्छी तरह से रीड करना है और उसको फुल मज़े मज़े के साथ इसको पढ़ना है। सो आई होप मेरा आज का लेक्चर